हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि चल रहा है हम लोगों का फोटोशॉप सीसी का बेसिक सीरीज, और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फिल्टर मेन्यू के अंदर मौजूद ब्लर मेन्यू के अंदर स्मार्ट ब्लर और सरफेस ब्लर के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है जब हम किसी भी खराब इमेज को, यानी जिस इमेज के ऊपर दाग धब्बे ज्यादा हैं या फिर झाइयां वगैरह ज्यादा हैं, रिंकल्स वगैरह ज्यादा हैं, तो उस टाइप के इमेज को हम प्रॉपर तरीके से सही करने के लिए जो है हम इन ब्लर का यूज करते हैं। तो इस ब्लर को हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं फोटोशॉप पे और देखते हैं इन ब्लर के बारे में। तो यहां पर जो है मैं एक इमेज ओपन कर रखा हूं, जिस पर हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे, जो आप स्किन टोन देख सकते हैं यहां पर किस प्रकार से डिस्टर्ब है। तो इसी पर हम देखेंगे इस ब्लर को, और इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं फिल्टर मेनू के अंदर ब्लर में। ब्लर में जाने के बाद यहां पर जो है स्मार्ट ब्लर मिलता है, उसके ऊपर सेप ब्लर है जो छूटा हुआ है, तो सेप ब्लर का एक्चुअल यूज हो नहीं पाता है कहीं पर, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सेप दिखता नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिकली इस सेप टूल का यूज नहीं है। तो इसी वजह से जो है हम इसको छोड़ते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, हम स्मार्ट ब्लर पे आते हैं। स्मार्ट ब्लर का काफी यूज है, यहां पर देख सकते हैं आप कुछ ऑप्शन है। यहां पर रेडियस है, रेडियस के नीचे थ्रेशोल्ड है, और उसके नीचे जो है यहाँ पर क्वालिटी है, लो, मीडियम, हाई, और उसके नीचे जो है ये मोड है। मोड के अंदर आपका आ जाता है नॉर्मल और एज ओनली एंड ओवरले एज। एज क्या है यहाँ पर समझना ज़्यादा जरूरी है। एज एक्चुअली इस टाइप की लाइनिंग होती है, एक्चुअली किसी भी फेस को कंप्लीट ड्रॉ होने में जो मूवमेंट होता है, या फिर जो दिखता है आपको मूवमेंट जो दिखता है, यानी कि इमेज जो आपको डिटेल्स लेकर के आती है, यानी इमेज जिस तरीके से दिखती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लाइन क्रिएट होती है, तभी कोई भी इमेज हो उसके अंदर एक लाइन के माध्यम से वो क्रिएट होती है, मूवमेंट होता है, तभी जाकर के वो जो है इमेज हमको प्रॉपर तरीके से दिखती है। तो वो जो लाइनिंग आ जाती है बीच बीच में, जो हमें दिखाई नहीं देती है एक नॉर्मल इमेज पर, तो उसी लाइन को जो है एज बोला जाता है। तो यहां पर अगर हम एज को देखना चाहेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस टाइप की लाइनिंग को, हम यहां से जो है इसको बढ़ाएंगे तो वो खत्म कम होता हुआ आपको नजर आएगा इस तरीके से। अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा कि कहां कहां पर जो है डिटेल्स, यानी कि जिसको हमने डिटेल्स के नाम से हम जानते हैं कि डिटेल्स आती जाती है, तो डिटेल्स में जो लाइनिंग्स आएगी वही लाइनिंग्स एज है। तो हम यहां पर कंट्रोल जेड करते हैं, तो इसका जो बेनिफिट है, काम कैसे करता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि इस पर जब हम कोई भी ब्लर यूज करते हैं तो वो एज को ध्यान में रखता है, एज ब्लर नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होती है कि हमारी इमेज जो है वो अपनी डिटेल्स नहीं खोती है, डिटेल्स अपने जगह पर रहती है, और अपने जगह पर रख करके जो है वो इमेज जो है ब्लर हो जाती है। जैसे कहने का मतलब, अगर आप जो है पिछली वीडियो देखे होंगे तो उसके अंदर हमने बात किया था गजियन ब्लर के बारे में। तो गजियन ब्लर क्या होता है, वो एग्जैक्ट इमेज पर जो है ब्लर करता है, तो डिटेल्स वगैरह अगर बढ़ाएंगे तो डिटेल्स वगैरह सारा का सारा खत्म हो जाता है, लेकिन यहां पर जो इमेज का जो डिटेल्स है वो रहता है। जैसे यानी कि ये जो एज आ रही है ये कंप्लीटली वो रहेगा, और जो बाकी सरफेस मिलेगा वो ब्लर होता है। जैसे उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से देखने के लिए हम नॉर्मल पे जाएंगे, और नॉर्मल पे रखते हुए जब आप यहां से रेडियस बढ़ाएंगे तो आप ये देख सकते हैं, कितना भी आप बढ़ाते हैं तो जो एज है वो, जो डिटेल्स है इमेज का, वो खत्म नहीं हो रही है। आप ये थ्रेशोल्ड ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो फैल जाएगा ज्यादा, लेकिन यहां से आप देख सकते हैं, अब इसको अप्लाई करते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं यानी कि जो लिप्स वगैरह है, जितने भी एज यानी कि जो डिटेल्स थी वो डिटेल्स रह रही है, जो बाकी के सिंगल कलर में जो सरफेस था वो जो है ब्लर हो रहा है, लेकिन इमेज की डिटेल्स गायब नहीं हो रही है। तो जैसे आप देख सकते हैं, हम कंट्रोल जेड करते हैं, आप स्क्रीन पर ध्यान देंगे तो इस तरीके से, यानी कि अगर कोई स्किन पे झाइयां वगैरह है, मान लीजिए जो ब्लैक्स झाइयां आ जाती हैं, साइडोज वगैरह टाइप के आ जाते हैं, तो उसको मिलाने के लिए, उसको मिक्सअप करने के लिए हम स्मार्ट ब्लर का यूज करते हैं। तो यहां पर एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा हो गया है, एक्चुअल इमेज बनाने के लिए आप थोड़ा सा कम रखेंगे, इमेज के अकॉर्डिंग ये जो है अप्लाई किया जाता है। तो यह समझने के लिए थोड़ा सा मैंने ज्यादा लिया है, ताकि इसका इफेक्ट प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इमेज अपनी डिटेल्स नहीं खो रही है, लेकिन स्किन को जो है स्मूथ कर दे रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। तो इस तरीके से ये स्मार्ट ब्लर काम करता है। हम कंट्रोल जेड करते हैं और अगला ब्लर को समझते हैं।
जो इससे अगला ब्लर है वो है सरफेस ब्लर। सरफेस ब्लर जो क्या करता है, ये टोटल सरफेस पर ये वर्क करता है, लेकिन फिर भी ये डिटेल्स का ध्यान रखता है, लेकिन उतना स्मार्ट ब्लर की तरह काम नहीं करता। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें भी डिटेल्स उतना नहीं गायब होगी आपकी। जैसे थ्रेशोल्ड बढ़ाते हैं आप, यहां पर 50 अगर करते हैं तो आप ये देख सकते हैं थोड़ी धुंधली दिखाई देगी। यहां पर इमेज हम 20 रखते हैं तो यहां क्लीन होगा। यहां से हम रेडियस को अगर हम बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो आप ये देख सकते हैं ये रेडियस बढ़ रहा है, सरफेस पे प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है इस तरीके से। तो स्मार्ट ब्लर और सरफेस ब्लर का यूज करके हम किसी भी स्किन को हम जो है बिल्कुल स्मूथ बना सकते हैं। जैसे हम इस पर ओके करते हैं और ये जो है बिफोर ऐसा था, आफ्टर ऐसा है, बिफोर ऐसा, आफ्टर ऐसा। तो इस तरीके से आप जो है इस ब्लर ऑप्शंस को यूज करके आप अपने किसी भी इमेज को काफी स्मूथनेस बना सकते हैं, काफी खूबसूरत बना सकते हैं, जो स्किन काफी बेहतर होगा। तो ये एक्चुअली इमेज ये बहुत ही खूबसूरत हम यहां पर नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने यहां पर इमेज पे वर्क नहीं किया है, सिर्फ हमने ब्लर ऑप्शन को समझाने की कोशिश किया है। हम अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे कि इस टाइप के इमेज को जो अजीब सी दिख रही है, हम इसको बहुत ही खूबसूरत कैसे बना पाएंगे। तो इसकी भी वीडियो आएगी आगे, तो आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट में वो भी लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले अध्याय में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।